हाई गाइज़ वेलकम टू माई चैनल कैसे हो आप सब गाइज यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी वेल और उसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो भी मच रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं थायराइड और हेयर लॉस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कुछ होम रेमेडीज शेयर करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि आज मैं बहुत छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ हेयर रिलेटेड और इससे आई होप कि आपको फायदा मिले सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इन द वीडियो सो so, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो ये क्यों होता है इसके कॉजेस इसके सिम्टम्स ये सारी चीज़ें आपको पता है आई एम श्योर आप डॉक्टर्स को भी रेगुलर विजिट करते हो तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं मैं आज कुछ इफेक्टिव होम रेमिडीज़ शेयर करूंगी आप लोगों से और ये जो होम रेमिडीज़ है काफ़ी आसान है इनको करने का ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि थायरॉयड एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी नहीं करना है इसके साथ आपको अपने लाइफ में भी थोड़ी सी चेंज लानी है अगर आप ये करते हो सही तरीके से तो डेफिनेटली आपका हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा तो चलिए जानते हैं क्या क्या है ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है छोड़िए एक्सरसाइज मत कीजिए लेकिन हर दिन आपको एक चीज़ ज़रूर करना है सुबह उठ के आपको थोड़ा सा एक वॉक लेना है चाहे तो आप अपने घर के आसपास में ही थोड़ा सा वॉक ले लीजिए आलस मत करिए सुबह जो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप देर तक लाइक आठ बजे नौ बजे दस बजे तक मत सोइए थोड़ा सा सुबह उठिए और अपने घर के ही चारों ओर दस मिनट एटलीस्ट वॉक कीजिए ये थायराइड जिनको है उनके लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है टिप नंबर टू अगर आपको थायरॉयड है और थायराइड की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो हमेशा एक चीज़ का आप ट्राई करें कोशिश करें वो है कि हर दिन सुबह छः बजे से सुबह दस बजे तक सूरज की जो रोशनी आती है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है तो थायरॉयड में विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में उसको आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है और उसको इम्प्रूव करने के लिए घर के किसी भी कोने पे जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सूरज की रोशनी आती है सुबह उठ के आपको उस जगह पे बैठना है एटलीस्ट थर्टी मिनट्स अब बैठ जाइए घर के ऐसा कोना जहाँ पे सुबह छः बजे से एकदम दस ग्यारह बजे तक लाइट्स आती है सूरज की रोशनी आती है वहाँ पे आप बैठिए धूप सेकना है बेसिकली आपको ये भी जिन लोगों को थारॉयड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है उसको इनक्रीज करता है लेकिन इसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा टिप नंबर थ्री अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसके लिए नॉर्मल पानी पीने की बजाय आप कुछ इस तरीके से पानी को पिएंगे तो इससे भी आपके शरीर में विटामिन डी का सप्लीमेंट पड़ेगा उसके लिए आपको कांच की शीशी ले लेनी है सारा दिन में आप जितना पानी पीते हो उतना पानी कांच के शीशी में कांच के जार में भर दीजिए और उसको आप धूप में रख दीजिए सुबह छः बजे से दोपहर के लाइक साढ़े ग्यारह या फिर बारह बजे तक आप उसको धूप में रखिए और वही पानी आप सारा दिन पीजिए इससे भी आपके शरीर में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है और उसकी वजह से आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है थायराइड की अगर आपको प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको हेयरफॉल हो रहा है तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा काम करता है वो है अनार तो कोशिश आप ये कीजिए कि हर दिन एक अनार का जूस निकाल के आप पिया कीजिए इसको आप मस्ट कर दीजिए रेगुलर एवरी डे आपको इसको पीना है और और इससे भी हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो कम होता है थायराइड बेसिकली इंटरनल प्रॉब्लम है तो आपको अपने आप को इंटरनली ठीक करना पड़ेगा वैसे तो बहुत सारे रेमेडीज़ हैं हेयर के हेयर लोशन है हेयर मास्क है हेयर पैक है लेकिन वो आपको कुछ दिनों के लिए फ़ायदा देगा लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप ट्राई करते हो तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग रन में जाके इम्प्रूवमेंट देगा और आपका जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो दूर करेगा इसके साथ बारी आती है हेयर ऑयल की तो देखा यह गया है कि यूकलिप्टस ऑयल जो एसेंशियल ऑयल है अगर वो आपके पास है तो उसका आप ट्राई करें क्योंकि यूकलिप्टस ऑयल हेयर लॉस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेंट करता है और हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा देता है तो अगर आपके पास यूकलिप्टस ऑयल है तो उसको आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए उसके साथ आप मेरा जो कैस्टा ऑयल का टेक्निक है उसका वीडियो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको उसको आप ज़रूर ट्राई करें बालों को खींचा तानी बिल्कुल ना करें ज़ोर ज़ोर से बालों को कंघी मत करें इससे आपके बाल टूट सकते हैं तो इसका भी आपको ध्यान डेफिनेटली रखना पड़ेगा थायराइड है उनके लिए अदरक और हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है वो बहुत अच्छा काम करता है तो आप सारा दिन में थोड़ा थोड़ा करके लाइक दो बार उससे ज्यादा मत पीजिए दो बार आप अदरक वाला पानी पी सकते हो ऐसे करना है इसको ये भी जान लीजिए थोड़ा सा अदरक का क्यूब आप काट लीजिए और उसको एक ग्लास पानी में डाल के हल्का उबाल लीजिए अदरक को पानी से अलग कीजिए और उसके बाद वो वाला पानी आप सारा दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीजिए ये बहुत अच्छा काम करता है सुबह उठ के खाली पेट अगर आप थोड़ी सी कच्ची हल्दी चबा के खाते हो ये भी थायराइड जिनको है उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है कभी कभार क्या होता है ना जिन लोगों को थायराइड होता है वो बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं विटामिन वी सेवन वी कॉम्प्लेक्स कॉपर जिंक ये सारी चीज़ों की कमी हो जाती है तो बहुत सारे लोग सिर्फ दवाई का सहारा लेते हैं और बहुत सारे दवाई वो लोग खाते रहते हैं लेकिन उनका हेयर फॉल कम नहीं होता है क्योंकि मल्टीपल मेडिकेशन इज़ आल्सो नॉट गुड बहुत सारा मेडिसिन आप लेते हो तो वो भी कहीं पे जाके हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो मेडिसिन uh, आप जो ले रहे हो उसको आप डेफिनेटली लीजिए लेकिन उसके साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें वॉक इज़ वेरी गुड सुबह उठ के अगर आप 10 मिनट वॉक करते हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है माइल्ड एक्सरसाइज आप, आप कर सकते हो दिस इज़ आल्सो गुड लाइक स्किपिंग थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का करके अगर स्किपिंग आप से होता है तो डेफिनेटली कीजिए सुबह उठ के थोड़ा सा धूप सेका कीजिए ये बहुत अच्छा होता है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है बायरिन की कमी की वजह से आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स खा खा सकते हो मेरे फेवरेट्स हैं मैं हमेशा खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स तो आप ड्राई फ्रूट्स खाया कीजिए उसमें काजू आते हैं पिस्ता आता है और अखरोट आते हैं वो सारी चीज़ों को आप खाया करें ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा अपने लाइफ में ऐड करोगे ना तो थायराइड से आपको अगर फॉल होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो के मतलब मेरे तो बाल होते ही नहीं है डेफिनेटली आपके बाल वापस आएंगे लेकिन इसको आपको लॉन्ग रन तक करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक दो महीना कर लिया उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया नहीं इनको आप कंटिन्यू करते जाइए आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा सो so गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और थायराइड की वजह से जिनके बाल झड़ रहे हैं ये छोटे छोटे टिप्स हैं इनको आप अपनाइए और अपने लाइफ को बेटर बनाइए और थायराइड की वजह से आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आई एम श्योर इनसे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो और ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कॉमेंट विच इज एप्स फ्री आज के लिए बस इतना ही आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो तब तक के लिए बाय बाय